हेलो फ्रेंड्स, प्राइड कोचिंग में आपका वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एसएससी सीजीएल मेंस के एग्ज़ाम में आए हुए सभी वोकैब के क्वेश्चंस। ये आपका जो है 8 अगस्त वाला मेंस है, जो 8 अगस्त 2022 को हुआ है, ठीक है। इसमें आए हुए हम लोग यहाँ पर सभी वन वर्ड, ईडियम, सिनोनिम और एंटोनिम, ये सभी क्वेश्चंस एक साथ इसी वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ पर मैं आपको लेटेस्ट एग्जाम के यहाँ पर इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराता हूँ। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने। यहाँ पर आपको वन वर्ड फाइंड करना, ठीक है। सबसे पहले वन वर्ड के क्वेश्चन है, तो चलिए इनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है सिंबल ऑफ रॉयल्टी। सिंबल ऑफ रॉयल्टी इसको क्या बोलेंगे? तो पहला ऑप्शन आपके पास सेप्टर, नेक्स्ट है रिगालिया, नेक्स्ट है रेलिक और एम्बलम। सीधा सा आपको बताना है कि प्रतीक, किसी चीज़ का प्रतीक जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उसको भैया बोला जाता है एम्बलम। क्या बोलते हैं? एम्बलम बोलते हैं। एम्बलम का मतलब होता है प्रतीक, ठीक है, प्रतीक या फिर चिन्ह बोलते हैं इसको, ठीक है। और रेलिक मतलब क्या होता है? रेलिक मतलब होता है अवशेष। आप लोग ध्यान रखोगे, जो रेलिक वर्ड है इसका मतलब होता है अवशेष, और सेप्टर का मतलब होता है राजदंड या फिर प्रभुत्व होता है, ठीक है। सेप्टर का मतलब क्या होता है? राजदंड या फिर प्रभुत्व होता है, आप लोग इसको ध्यान रखोगे, ठीक है। और रिगालिया जो है, रिगालिया का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इनाम या फिर पुरस्कार, ठीक है। रिगालिया का मतलब क्या होता है? इनाम या फिर पुरस्कार। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दो है, इसको देखेंगे। ए केस फॉर कीपिंग अ सोर्ड, ठीक है। ए केस फॉर कीपिंग अ सोर्ड मतलब कि जिसमें सोर्ड को रखा जाता है, जिसमें तलवार रखी जाती है, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो आप सभी को पता है उसको हिंदी में म्यान बोलते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सीथ, रैपर, क्विवर और स्लीप। क्या हो जाएगा? सीथ इसका करेक्ट आंसर होगा। सीथ का मतलब होता है म्यान, ठीक है, जिसमें तलवार को रखा जाता है। और रैपर आपको पता है जो, ठीक है, जो रैपर होता है। और क्विवर मतलब कांपना होता है, ट्रेम्बल यानी कि, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखोगे, कई बार ये भी पूछा जा चुका है सिनोनिम एंटोनिम में। और स्लीप, स्लीप मतलब बाँह होता है, ठीक है, आपको पता, जो बांह, ठीक है, बाजू। आगे चलते हैं, वन हु इज ऑल पावरफुल। वन हु इज ऑल पावरफुल इसका आपको यहां पर मीनिंग बताना है। तो ओमनीपोटेंट, ठीक है, और कंक्वेरर, सोवेरेन और एम्परर, बताना है इसमें से आपको करेक्ट आंसर क्या होगा। तो वन हु इज ऑल पावरफुल मतलब जो सर्वशक्तिमान है, जिसके पास पूरी पावर है, उसको क्या बोलेंगे? तो पहला ऑप्शन ओमनीपोटेंट, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या होगा? ओमनीपोटेंट ही इसका करेक्ट आंसर होगा। और मैंने आपको ये कई बार हम बता चुके हैं, लगभग हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। ओमनी एक रूट वर्ड होता है, ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए, जिसका मतलब होता है आल, और हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। जैसे ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी वोरस, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इनको ध्यान रखोगे। जैसे ओमनी पोटेंट मतलब सर्वशक्तिमान, जिसके पास सभी ताकत है। ओमनी प्रेजेंट मतलब जो हर जगह उपस्थित रहता है, उसको ओमनी प्रेजेंट कहा जाता है, ठीक है, जो सब कुछ खाता है, ठीक है, यानी कि शाकाहारी मांसाहारी दोनों होता है, उसको ओमनी वोरस कहा जाता है। तो इस तरीके से आप सब कुछ इसमें ध्यान रखोगे। और जैसे जो सब कुछ जानने वाला होता है, उसको ओमनीसाइंट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कंक्वेरर। कंक्वेरर का मतलब होता है कंक्वर मतलब होता है जीतना, ठीक है, पराजित करना। और कंक्वेरर मतलब जीतने वाला। सोवेरन मतलब क्या होता है? प्रभुसत्ता होती है। और एम्परर मतलब एम्परर जो आपका साम्राज्य, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर है, इसको देखेंगे। वन हु स्पीक्स फॉर अदर्स, ठीक है, जो दूसरों की आवाज़ उठाए उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, जो दूसरों के लिए आवाज़ उठाए उसको क्या बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन है स्पोक्स पर्सन, नेक्स्ट ओरेटर, नेक्स्ट टॉक्टिव और वर्बोस, ठीक है। तो टॉक्टिव और वर्बोस ये दोनों आपस में सिनोनिम है। दोनों का मतलब होता है बतूनी, ठीक है, अधिक बातें करने वाला। ओरेटर मतलब होता है वक्ता, अच्छा बोलने वाला, अच्छा वक्ता जो होता है, ठीक है। यहाँ पर जो होगा स्पोक पर्सन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्पोक्स पर्सन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव है। वन हु लिव्स ऑन अदर्स, ठीक है, जो दूसरों पर आश्रित हो, जो दूसरों पर, ठीक है, निर्भर हो, उसको क्या बोलेंगे? तो स्विफ्ट है, पैरासाइट है, फ्लैटर है, हाइपोक्राइट, क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलते हैं हम लोग पैरासाइट, ठीक है, पैरासाइट, परजीवी उसको बोलते हैं, ठीक है, जो किसी पर मतलब रह करके उसके भोजन, जैसे पौधे होते हैं, ठीक है, दूसरे पौधों पर उग जाते हैं और उनसे अपना भोजन जो है निकालते रहते हैं, उसको बोलते हैं पैरासाइट, ठीक है। और कुछ कीट होते हैं, जैसे मच्छर हो गया, और ये क्या करते हैं, इंसानों का खून चूस लेते हैं, ठीक है। तो मतलब दूसरों के ऊपर निर्भर हैं, दूसरों के ऊपर, दूसरों से अपना खाना लेते हैं, ठीक है। खटमल हो गया, ठीक है। फ्लैटरर मतलब चापलूसी करने वाला, फ्लैटरर मतलब चापलूसी करने वाला। और हाइपोक्राइट मतलब हाइपोक्राइट का मतलब जो अपनी पहचान छुपाए, उसको बोलते हैं हाइपोक्राइट, ठीक है। और स्विफ्ट जो होता है चालाक या फिर धूर्त या फिर चतुर, उसको बोलते हैं स्विफ्ट, ठीक है, आप लोग सभी को ध्यान रखोगे। आगे चलते हैं, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर सिनोनिम के क्वेश्चन, ठीक है। आप सिनोनिम के क्वेश्चन देखेंगे,
तो पहला वर्ड इसमें है आपके पास एक्सॉर्सनेट, ठीक है। एक्सॉर्सनेट इसका आपको यहाँ पर बताना है सिनोनिम। तो पहला ऑप्शन एक्सोर्बिटेंट, नेक्स्ट है एक्सोटिक, और नेक्स्ट है एक्सोर्सिस्ट, और है एक्सोनरेट, ठीक है। तो इसका मतलब होता क्या है एक्सोर्सनेट का, इसका मतलब होता है अतिशय, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है अतिशय, यानी कि अधिक मात्रा में। इसका मतलब क्या अतिशय यानी या फिर अधिक मात्रा में, ठीक है, कोई चीज़ अधिक मात्रा में होना। तो एक्सोर्बिटेंट मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, ठीक है। एक्सोर्बिटेंट का मतलब क्या होता है प्रचुर होता है, यही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर अगर बात करें एक्सोनरेट मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है आरोप मुक्त करना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है किसी चीज़ को दोष मुक्त करना या फिर आरोप मुक्त करना, ठीक है। और एक्सोटिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो मतलब अजीबोगरीब है, विदेशी जो है, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सोटिक, अजीबोगरीब विदेशी, ठीक है, उसको बोलेंगे क्या एक्सोटिक। और एक्सोर्सिस्ट का मतलब होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें इनकम्बेंट, नेक्स्ट आपको सिनोनिम बताना है किसका इनकम्बेंट का। तो पहला ऑप्शन आपके पास प्रोफेट, नेक्स्ट है एडवेंचरर, नेक्स्ट है कंटेस्टेंट, और नेक्स्ट है ऑक्युपेंट, ठीक है। तो इनकम्बेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पदाधिकारी, क्या होता है पदाधिकारी इनकम्बेंट, ठीक है। तो आपको इसमें से जो है इसका सिनोनिम फाइंड करना है। तो पहला ऑप्शन आपके पास प्रोफेट, ठीक है, प्रोफेट मतलब आपको समझना, आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है, प्रोफेट जो मतलब ईश्वर से रिलेटेड जो है, ठीक है, उनको प्रोफेट कहा जाता है, पैगंबर, ठीक है। और एडवेंचरर जो एडवेंचर करता है उसको एडवेंचरर कहते हैं। कंटेस्टेंट, ठीक है, ये मतलब किसी प्रतियोगिता में जो आयोजन करने वाले होते हैं वहाँ पर। और ऑक्युपेंट, इसका जो करेक्ट आंसर होगा सिनोनिम होगा ऑक्युपेंट, ठीक है। ऑक्युपेंट मतलब वैसे निवासी होता है, ठीक है, आपने एक वर्ड सुना होगा ऑक्युपाई, ठीक है, मतलब किसी चीज़ को धारण करना, तो वही हो जाएगा इसका जो है करेक्ट सिनोनिम ऑक्युपेंट, ठीक है, इनकम्बेंट, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आपको सिनोनिम बताना है फिक्टिटियस, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है इमेजिनरी, नेक्स्ट है जेन्युइन, नेक्स्ट है फैक्चुअल, और नेक्स्ट है कन्फर्म्ड, ठीक है। तो फिक्टिटियस मतलब क्या होता है काल्पनिक, ठीक है, जो काल्पनिक हो उसको फिक्टिटियस कहा जाता है। तो इमेजिनरी, जेन्युइन, फैक्चुअल, कन्फर्म्ड क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका होगा इमेजिनरी, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा इमेजिनरी, आप लोग इसको ध्यान रखोगे। जेन्युइन आपको पता ही है, फैक्चुअल, कन्फर्म्ड सभी आसान वर्ड हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 4 है एबंडन, ठीक है, एबंडन का आपको बताना है सिनोनिम, काफ़ी आसान है, ठीक है। स्टार्ट, लीव, एडॉप्ट, अलाउ, क्या होगा एबंडन मतलब एबंडन मतलब त्यागना, ठीक है, त्याग देना। तो स्टार्ट है शुरू करना, लीव इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एडॉप्ट मतलब होता अपनाना, अलाउ मतलब परमिशन देना, ठीक है, स्टार्ट मतलब स्टार्ट करना, शुरू करना, तो लीव जो है इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब हम लोग देखते हैं एंटोनिम, ठीक है, अब हम लोग एंटोनिम के क्वेश्चन देखते हैं, इतने ही क्वेश्चन आपके आए हुए थे, ठीक है। ट्रैंक्विलिटी आपके पास पहला वर्ड जो है वो है क्या, ट्रैंक्विलिटी, ठीक है। तो विल्डरनेस और कंपोजर, रिपोज और एजिटेशन, आपके पास इतने वर्ड हैं, आपको इसमें से एंटोनिम बताना है। तो ट्रैंक्विलिटी का मतलब क्या होता है शांति, ठीक है, ट्रैंक्विलिटी का मतलब क्या होता है शांति, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें से आपको बताना है। तो विल्डरनेस जो मतलब वीराना एकदम, ठीक है, उसको बोलते हैं खूंखार, विल्डरनेस, ठीक है। और कंपोजर मतलब होता है धैर्य, पेशेंस बनाए रखना, ठीक है। और एजिटेशन मतलब होता है भड़काना, तो यही आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा एजिटेशन, ठीक है। शांति का अपोजिट क्या हो जाएगा एजिटेट करना, यानी कि भड़काना, ठीक है, एजिटेशन इसका जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, आप लोग इसको ध्यान रखोगे। और जो रिपोज होता है, रिपोज का मतलब क्या होता है आराम करना या फिर नींद लेना, ठीक है, सोना, आराम करना, ये सब होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 2 है इम्पेकेबल, ठीक है, इम्पेकेबल। तो पहला ऑप्शन है एक्सक्विजिट, नेक्स्ट है फ्लॉलेस, नेक्स्ट है अनसलिड, और नेक्स्ट है ब्लेमिश्ड, बताओ इसमें से करेक्ट आंसर इसका एंटोनिम बताना है, ठीक है, एंटोनिम आपको बताना है, बताओ इसमें से क्या होगा। तो इम्पेकेबल का मतलब क्या होता है त्रुटिहीन, ठीक है, जिसमें कोई कमी ना हो, त्रुटिहीन जो हो, ठीक है, उसको बोलते हैं इम्पेकेबल, आप लोग लिख लेना, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करना। और प्लीज़ आप लोग जो है वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, और यहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, ठीक, जैसे अभी आपका सिलेक्शन पोस्ट वाला एग्ज़ाम हुआ है, एमटीएस वाला एग्ज़ाम हुआ, तो इन सभी के भी हम आपको बकाये सभी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, जैसे कॉमन एरर वगैरह सब कुछ आपको करवाते हैं यहाँ पर। तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखें वीडियोस को और शेयर करें, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें इम्पेकेबल मतलब त्रुटिहीन होता है, तो इसमें से आपका जो है त्रुटिहीन मतलब जिसमें कोई कमी हो, तो ब्लेमिश्ड क्या होता है, ये भी वही होता है, ठीक है, जिसमें कोई कमी हो त्रुटिहीन, लेकिन हमको तो अपोजिट बताना है इसका, ठीक है। और फ्लॉलेस मतलब होता है,
ठीक है, दोष रहित, फ्लॉलेस का मतलब क्या होता है, दोष रहित, जिसमें कोई दोष ना हो। वैसे फ्ला जो वर्ड है, फ्ला FLAW, फ्ला वर्ड का मतलब होता है दोष युक्त, ठीक है, जिसमें कोई दोष हो। फ्लॉलेस लेस लग गया है, मतलब कि दोष रहित, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखोगे, यही हमारा जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखोगे। इम्पेकेबल मतलब होता है त्रुटिहीन, और फ्लॉलेस मतलब होता है दोष रहित, ठीक है। और अनसलीड इसका भी मतलब वही होता है जो ब्लेमिश्ड का होता है, ठीक है, जो ब्लेमिश्ड है वही अनसलीड है, ठीक है, आप लोग इनको ध्यान रखोगे। आगे चलते हैं, कंजेनियल, ठीक है, यहाँ पर जो एक वर्ड आउट रह गया था, ठीक है, एक्सक्विजिट, ठीक है, इसका मतलब होता है उत्सुक। आगे कंजेनियल, ठीक है, कंजेनियल का आपको जो है यहाँ पर बताना है एंटोनिम, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है माइल्ड, नेक्स्ट है मीन, नेक्स्ट है मर्सीफुल और मेलो, बताओ इसमें से करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो कंजेनियल का मीनिंग होता है अनुकूल, सुखद, ठीक है, कोई चीज़ अनुकूल हो, सुखद है, सौहार्दपूर्ण है, उसको बोलते हैं कंजेनियल, ठीक है, आप लोग इसको ध्यान रखोगे। तो यहाँ पर मर्सीफुल मतलब क्या होता है, मर्सीफुल मतलब जिसके अंदर दया भरी हो, ठीक है, तो मर्सीफुल है। मेलो मतलब सुखद, आनंदपूर्ण, ठीक है, तो ये तो इसका जो है सिनोनिम बनेगा, ठीक है, ये वाला सिनोनिम बनेगा, लेकिन हमको फाइंड क्या करना है, एंटोनिम। तो इसका जो यहाँ पर करेक्ट एंटोनिम होगा कौन होगा, माइल्ड मतलब क्या होता है, विनम्र, ठीक है, माइल्ड मतलब क्या होता है, विनम्र होता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा मीन, ठीक है, मीन बच गया है आपका, मीन इसका करेक्ट होगा। और आप सभी को पता है मीन का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग एक बताने से मतलब अर्थ बताना, ठीक है, उसको मीन बोलते हैं, लेकिन एक दूसरी मीनिंग भी होता है जिसका मतलब कमी होता है, ठीक है, किसी चीज़ में कोई कमी होना, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान रखोगे, ठीक है, जब किसी चीज़ में कोई कमी होती है, ठीक है, यहाँ पर कंजेनियल का मतलब क्या, सुखद, ठीक है, जो अच्छा है, सुखद है, आनंदपूर्ण है, तो मीन मतलब कमी या फिर कम मूल्य वाला, उसको बोलते हैं मीन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है करेक्ट एंटोनिम जो होगा ये आपका मीन हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है इंडोलेंट, ठीक है, इंडोलेंट वर्ड का आपको यहाँ पर एंटोनिम फाइंड करना है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास टॉर्पिड, नेक्स्ट एनर्जेटिक, नेक्स्ट लैंग्विड और लिस्टलेस, ठीक है। तो इंडोलेंट मतलब क्या होता है, आलसी, ठीक है, इंडोलेंट मतलब जो आलसी है, ठीक है, उसको बोलते हैं इंडोलेंट। तो टॉर्पिड, एनर्जेटिक, लैंग्विड, लिस्टलेस, ठीक है, लिस्टलेस मतलब जो सक्रिय नहीं है, ठीक है, इनएक्टिव, उसको बोलते हैं लिस्टलेस, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आलसी का एनर्जेटिक हो जाएगा, ठीक है, उत्साही, क्या हो जाएगा, उत्साही, जो एनर्जेटिक है, ऊर्जा से भरा हुआ है, उसको बोलेंगे हम लोग इंडोलेंट का ये एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पर टॉर्पिड का मतलब सुस्त या फिर मुरझाया हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, अब आपका आ गया है ईडियम वाला पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पर ईडियम हम लोग देख लेते हैं जल्दी से, होल्ड योर हॉर्सेस, ठीक है, होल्ड योर हॉर्सेस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है धैर्य रखना, ठीक है, होल्ड योर हॉर्स का मतलब होता है धैर्य रखना, जैसा कि अभी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसका अर्थ था वहाँ पर धैर्य रखना, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आई एम हाई, नेक्स्ट है फाइट ट्रबल, नेक्स्ट है स्लो डाउन और नेक्स्ट है नॉट गेट अपसेट, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान रखोगे, इसके जो है तीन मीनिंग होते हैं, ठीक है, एक तो हमने आपको बता दिया बी पेशेंट, ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लेना बी पेशेंस, यानी कि धैर्य रखना, ठीक है। और इसका जो अगली मीनिंग होती है वो होती है स्लो डाउन, स्लो डाउन यानी कि धीमा करना, ठीक है, इसका अगला मीनिंग क्या होता है, स्लो डाउन यानी कि धीमा पड़ जाना। और इसकी एक मीनिंग होती है वेट अ मोमेंट, ठीक है, क्या होता है, वेट अ मोमेंट, ठीक है, इंतज़ार करना। तो इन तीनों मीनिंग को आप लोग लिख लेना, ये पेशेंस के रूप में भी पूछा गया है और अब की बार स्लो डाउन, ठीक है, धीमा पड़ जाना, स्लो डाउन का मीनिंग यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो इन तीनों को आप लोग ध्यान रखोगे, होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब होता है स्लो डाउन यानी कि धीमा पड़ जाना, वेट अ मोमेंट यानी कि इंतज़ार करना थोड़ी देर के लिए, ठीक है, और बी पेशेंस यानी कि धैर्य रखना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, सेकेंड क्वेश्चन इसको देखेंगे, फाइट साई ऑफ, ठीक है, फाइट साई ऑफ। तो पहला ऑप्शन टू अवॉइड, नेक्स्ट इनवाइट, परफॉर्म, चैलेंज, क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग होता है टू अवॉइड, किसी चीज़ से बचना, ठीक है, किसी चीज़ से बचना, फाइट साई ऑफ। आगे चलते हैं,
आल इन आल, आल इन आल ईडियम है इसका, आपको मीनिंग बताना है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, आल इन आल मतलब होता है सर्वे सर्वा, ठीक है। सर्वे सर्वा कोई चीज़ आपके हाथों में होना पूरी तरह से, ठीक है, किसी चीज़ का सर्वे सर्वा होना उसको बोलते हैं आल इन आल। यानी कि पहला ऑप्शन है आपके पास एवरी पर्सन, नेक्स्ट है फर्स्ट इन लाइन, नेक्स्ट है कम्प्लीटली लॉस, और नेक्स्ट हैविंग आल अथॉरिटी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हैविंग आल अथॉरिटी, पूरी अथॉरिटी होना आपके पास, ठीक है, सर्वे सर्वा होना, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है क्लेम अप, ठीक है, क्लेम अप। तो इसका आपको मीनिंग बताना है, तो बी टू बी फ्रस्ट्रेटेड, नेक्स्ट है बिकम साइलेंट, टू बी अपसेट, या फिर लॉस टेंपर, ठीक है। तो इसका मतलब होता है शांत हो जाना, इसका मतलब क्या होता है, शांत हो जाना, ठीक है। क्लेम अप मतलब होता है शांत हो जाना, क्या हो जाएगा, टू बिकम साइलेंट, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट हो जाएगा, टू बिकम साइलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कट अ सॉरी फिगर, ठीक है, कट अ सॉरी फिगर, आपको इसका यहाँ पर मीनिंग बताना है। तो पहला ऑप्शन आपके पास क्रिएट अ पुअर इंप्रेशन, नेक्स्ट है रेंडर एन एपोलॉजी, नेक्स्ट है ब्रेक अ रिकॉर्ड, और नेक्स्ट है मेक अ स्कल्पचर। बताओ इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो कट अ सॉरी फिगर का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ पर कम प्रभाव डालना, ठीक है, कम इंप्रेशन जमा पाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा, क्रिएट अ पुअर इंप्रेशन, ठीक है, क्रिएट अ पुअर इंप्रेशन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है भैया, इसको देखो, लेंड एन ईयर, ठीक है, लेंड एन ईयर, इसका मीनिंग क्या होगा, तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पे अटेंशन टू, नेक्स्ट है बी गुड फॉर ए पर्टिकुलर थिंग, नेक्स्ट है नॉट मेक ट्रबल, और नेक्स्ट है नॉट टेल समथिंग टू अदर्स। क्या हो जाएगा, लेंड एन ईयर का मतलब होता है ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना, या फिर किसी चीज़ पर ध्यान देना, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 पे अटेंशन टू जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। लेंड एन ईयर मतलब ध्यान से सुनना या फिर ध्यान देना, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 7, ठीक है, इसको देखोगे, बैड ब्लड, ठीक है, बैड ब्लड, इसका क्या हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है हार्ड लक, नेक्स्ट है लो स्टेटस, नेक्स्ट है इल फीलिंग, और पुअर क्वालिटी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, बैड ब्लड का मतलब होता है कुलीन, ठीक है, मतलब एकदम निम्न वर्ग का, ठीक, जो एकदम निम्न वर्ग का हो उसको बोलते हैं बैड ब्लड, निम्न वर्ग का, ठीक है, कोई पुअर चीज़ हो एकदम, ठीक है, घटिया क्वालिटी की चीज़, उसको बोलेंगे बैड ब्लड। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इल फीलिंग जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको देखेंगे, 40 विंग्स, 40 विंग्स का मतलब क्या होता है, ए हॉट डे, ए शॉर्ट नैप, ए वर्थलेस ऑब्जेक्ट, और ब्रीफ स्टेटमेंट। क्या हो जाएगा, 40 विंग्स का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए झपकी लेना या फिर नींद लेना, ठीक है। क्या हो जाएगा, नींद लेना, थोड़ी देर के लिए झपकी लेना, ठीक है, नींद लेना। ऑप्शन देखो क्या हो जाएगा, ए शॉर्ट नैप, ठीक है, नैप मतलब झपकी होता है, ए शॉर्ट नैप इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। दोस्तों आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है, और बाकी वीडियोस भी आप लोग लगाते रहिए। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, बरी द हाइट चैट, एकदम आसान है, ठीक है, आपको इसका जो है ऑप्शन, इसको आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है, एकदम आसान है, बहुत बार पूछा जा चुका है SSC में, ठीक है, इसको बताने का कोई मतलब है नहीं, इसको आप लोग जो है कमेंट कर देना, ठीक है। और आप लोग थोड़ा सा पॉजिटिव कमेंट किया करो, ठीक है, कमेंट भी करते रहा करो, ठीक है, कोई भी डाउट हो आपका उसको भी आप लोग ज़रूर पूछ लिया करो, ठीक है। और यहाँ पर अभी MTS सिलेक्शन पोस्ट, इस तरह के एग्ज़ाम जो भी हुए हैं, सभी के आपको वकैब और ग्रामर का पार्ट दिया जा रहा है, जो आपके CGL और CPO एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो आप उन वीडियोस को भी ज़रूर लगाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।